मॉर्निंग बच्चों, मैं अविनाश और आज का लेक्चर सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब क्लासेस लग रही थी उस समय हमने बीच में थोड़ा बहुत पढ़ा था, एक थोड़ा बहुत क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे की चीजें बताएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहला वर्ड जो मैंने आपको बताया था वो था पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है ऐसा कोई भी मोशन जो खुद को रिपीट करेगा एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। जैसे अर्थ जो है वो सन के अबाउट हर 365 डेज में एक कंप्लीट चक्कर लगा रहा है, उसी तरह मून जो है वो अर्थ के अबाउट चक्कर लगा रहा है। तो अगर खुद से सोचोगे तो तुम्हारा जो मोशन था जब क्लासेस लगती थी तो घर से इंस्टीट्यूशन आते थे, इंस्टीट्यूशन से वापस घर, अब अगले दिन फिर से यही मोशन रिपीट होता था। तो इस तरह के मोशन जो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट करते हैं उनको हमने पीरियोडिक मोशन कहा था। पीरियोडिक मोशन का ही एक सब केस होता है ऑसिलेटरी मोशन। अब जूनियर लेवल में अगर किसी बच्चे को ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बताया जाता है तो उसको ऐसा बताते हैं कि आप क्या करो, आप एक पेंडुलम इमेजिन करो। पेंडुलम में क्या होता है, एक थ्रेड है जिसमें हमने एक बॉब ऐसे अटैच कर दिया है। अब इस बॉब को अगर मैं ऊपर ले जाके ऐसे रिलीज करता हूं तो बॉब का मोशन अगर आप नोटिस करोगे तो बॉब इस वाले पॉइंट से जाके यहां गया, फिर यहां से वापस यहां पे आया। तो इसका मोशन क्या है, ये एक पीरियोडिक तो है, नो डाउट ये पीरियोडिक मोशन है क्योंकि ये खुद को रिपीट कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इसका मोशन टू एंड फ्रो है, ये यहां से गया वापस यहां पे आ गया, फिर गया वापस यहां पे आ गया। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बताते हैं। अब ऑसिलेटरी मोशन का ये डेफिनेशन जूनियर लेवल के लिए बहुत ही सैटिस्फैक्टरी है, लेकिन अगर मैं एडवांस लेवल पे बात करूं तो एडवांस लेवल के लिए हम ऐसा बोलेंगे कि ऑसिलेटरी मोशन जो है वो एक स्पेशल टाइप के फोर्स के कारण होता है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई पार्टिकल है जिसपे मैंने फोर्स जो अप्लाई किया है वो माइनस ऑफ के एक्स टू पावर एन के ऑर्डर का है। अब यहां पर ये जो के है, के एक कॉन्स्टेंट है और ये n जो है जो पावर वाला टर्म है वो अपने को ऑड नंबर्स रखना है। ये जो n था, n के वैल्यूज अपन क्या रखने वाले हैं, ऑड नंबर्स। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे x जो है, x क्या कर रहा है, x इज द पोजिशन, x जो है वो क्या है, पोजिशन है। इसका एक एग्जांपल अगर मैं देखू, मान लो ये मेरा रेफरेंस लाइन है, यहां कहीं पे मेरा ओरिजिन होता। अगर मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल जो है वो यहां पे पर है, इस वाले पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो x जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और यहां पे पर अगर मैं देखू तो x जो है वो क्या है, नेगेटिव है। अब एक एग्जांपल इसका कंसिडर कर लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि n का वैल्यू अपन कंसिडर कर रहे हैं 3। अगर n को 3 मान लिया जाए तो जो फोर्स है, फोर्स का इक्वेशन हो जाएगा माइनस ऑफ k x टू द पावर 3। इस तरह का फोर्स हमने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया है। अब मान लो मैं बोल रहा हूं कि मैं यहां कहीं पे हूं, इस वाले पॉइंट को अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे x के वैल्यूज क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। अब जैसे ही कोई x का पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, मान लो मैंने x के प्लेस में 1 रख दिया, +1 रखने से ये जो फोर्स का वैल्यू यहाँ पे आएगा, जब मैंने x का वैल्यू 1 रखा है तो फोर्स का जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस ऑफ के आ रहा है, फोर्स का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो जो इस पे फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन का है, मतलब ये जो फोर्स जनरेट हुआ है वो उसको वापस से मीन पोजीशन या उसको वापस से ओरिजिन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह अगर मैं बोलूं कि मैंने क्या किया है, मैं यहां कहीं पे हूं, यहां कहीं पे होने का मतलब है एफ को मैंने नेगेटिव एक्स पे देखा हो, अगर मान लो मैंने -1 के लिए देखा, अगर तो -1 के अगर आप अगर देखोगे तो माइनस के क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज अ नेगेटिव नंबर, मतलब यहां पे वापस से -1 आएगा। माइनस के -1 सॉल्व किया जाए तो ये जो फोर्स है -1 पर वो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, फोर्स पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पर अगर पार्टिकल होता तो उस पर फोर्स इस तरफ का लगता। फिर से अगर आप ध्यान से देखोगे तो पार्टिकल यहां पे है, फोर्स इसको वापस से ओरिजिन की तरफ ले जा रहा है। इसका ये मतलब है कि अगर पार्टिकल इस हाफ में कहीं पे भी है तो फोर्स ऐसा डेवलप होगा जो उसको इस तरफ लेके आने की कोशिश करेगा, और पार्टिकल अगर यहां कहीं पर है तो जो फोर्स डेवलप होगा वो ऐसा फोर्स डेवलप हो रहा है जो पार्टिकल को यहां कहीं पर लाने की कोशिश कर रहा है। अब इस तरह का मोशन, अब ध्यान से देखा जाए, अगर पार्टिकल यहां था तो इधर जाने की कोशिश कर रहा है, पार्टिकल यहां है तो इधर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, इस ओरिजिन के अबाउट टू
एंड फ्रो मोशन कर सकता है। इस तरह के मोशन को ही हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब मेरे को लगता है कि ऑसिलेटरी मोशन शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो। अब यहां पे आप ध्यान रखना, n के वैल्यूज हमेशा अपने को ऑड नंबर रखने हैं। अब तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों? n के वैल्यूज ऑड इसीलिए रखना है क्योंकि तुम अगर n के वैल्यू को इवन रख देते हो, मान लो मैंने बोला कि n का वैल्यू जो है यहाँ पे, n का वैल्यू मान लो मैं रख देता हूँ 2। जैसे ही मैं n का वैल्यू 2 रखूंगा, अब x का वैल्यू +1 अज्यूम करो। x का वैल्यू अगर आप +1 अज्यूम करोगे तो फोर्स अभी भी नेगेटिव होगा क्या? माइनस के और 1 to the power 2, तो ये फोर्स नेगेटिव आ रहा है। जब तुम x का वैल्यू -1 अगर रखोगे, मान लो तुमने यहाँ पे x के प्लेस में -1 रखा, -1 का स्क्वायर वापस से 1 हो रहा है। अगर -1 का स्क्वायर वापस से 1 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स डेवलप होगा वो फिर से नेगेटिव है। इसका मतलब अगर मैं n के वैल्यूज इवन रखता हूँ, अगर मैं n के वैल्यूज इवन रखता हूँ तो जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो हमेशा इसको नेगेटिव साइड में ले जाने की कोशिश कर रहा है। फोर्स हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, आप कोई भी इवन पावर ले लो तो वो ऑसिलेटरी मोशन तो नहीं हुआ। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब था टू एंड फ्रो मोशन कराना है अपने को, आना और जाना, इस तरह का मोशन अपने को कराना है। अच्छा, अब ये ऑसिलेटरी मोशन के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। आप n का वैल्यू 1 रख लो, 3 रख लो, 5 रख लो, 7 रख लो, बड़े नंबर्स रख लो। अब जितना ज्यादा पावर तुम जाओगे उतना कैलकुलेशन मुश्किल होता जाएगा। अपने सिलेबस में ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट केस डिस्कस करना है। अब ऑसिलेटरी मोशन का सबसे सिंपलेस्ट केस तब होता है जब हम n को 1 मान लेते हैं। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है जिसमें फोर्स जो है वो F = -kx/n, और मैंने n को क्या कर लिया है, 1 मान लिया, n एक ऑड नंबर है, 1 एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हुआ वो -kx के ऑर्डर का हो गया। अब जब भी ऑसिलेटरी मोशन का जो सबसे सिंपलेस्ट केस बनता है जहां पे n का वैल्यू क्या है 1, उस मोशन को ही अपन क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इंट्रोडक्शन है, शायद ये आपको समझ में आया है। अब ऑसिलेटरी मोशन में अपने को ऑसिलेटरी मोशन नहीं जानना है, अपने को क्या जानना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जानने के लिए हमने क्या बोला कि n के वैल्यू को अपने को क्या रखना है, n के वैल्यू को अपने को 1 रखना है। उस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर मैं एग्जाम्पल ड्रॉ करूं तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा होगा। एक ऐसा मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया है, मान लो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है k और जो ब्लॉक है ब्लॉक का मास है m। अब ये जो डायग्राम है, इस सिचुएशन में अगर देखोगे तो ये ब्लॉक अभी क्या है, इक्विलिब्रियम में। ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ब्लॉक के वेट को बैलेंस किया गया है। अब ब्लॉक के वेट को बैलेंस कैसे करेंगे, तो इस कंडीशन पर अगर देखा जाए ना तो इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो m into g का फोर्स जो इसका वेट होगा वो नीचे लग रहा होगा, और इस टाइम पे स्प्रिंग जो है वो इलॉन्गेटेड है। स्प्रिंग का मान लो जो नेचुरल लेंथ था ना, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ यहाँ कहीं पर था, अभी ये स्प्रिंग अपने नेचुरल से इलॉन्गेटेड है, मतलब यहाँ पे एक्सटेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ऐसा मान लेते हैं कि ये जो इलॉन्गेशन था ये एक्स नॉट है। अगर ये इलॉन्गेशन एक्स नॉट है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो कितना है, के एक्स नॉट। इस सिचुएशन में अभी ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन था, ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब आप लोगों को पता है, ऐसा है यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर आप देखोगे एम जी जो है वो के एक्स नॉट के इक्वल है। अभी ऐसा कुछ हमारा डायग्राम रखा होगा। क्या करते हैं, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ना कुछ एक्स अमाउंट नीचे शिफ्ट कर देते हैं ऐसे। यहां पे x नॉट इलॉन्गेशन पहले का था, मैंने क्या कर दिया, x अमाउंट से इसको और ऐसा इलॉन्गेट कर दिया। ये m मास अब जो है वो यहां पे है।
मतलब ये ऐसा अरेंजमेंट था, मैंने इसको क्या कर दिया, कुल करके एक्स अमाउंट यहां पे लाके रख दिया। इस पॉइंट पे मैं इसको क्या करता हूं, रिलीज करता हूं। अभी यहां पर अगर आपने नोटिस किया तो स्प्रिंग फोर्स वेट से बैलेंस हो रहा था। अब जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, नीचे जाने का मतलब हो गया कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो mg के वैल्यू से ज्यादा डेवलप होता जा रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है जहां पे मैंने इसको रिलीज किया था, इस वाले पॉइंट मैंने इसको रिलीज किया था ना, इस वाले पॉइंट पे अगर मैंने इसको रिलीज किया है तो इस वाले पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो फोर्सेज है, एक तो स्प्रिंग फोर्स होगा जो ऊपर की तरफ है के एक्स प्लस एक्स नॉट। अब x प्लस एक्स नॉट क्यों है, क्योंकि x नॉट का इलॉन्गेशन तो पहले से था, मैंने एक्स्ट्रा x का और इलॉन्गेशन किया है। अच्छा, वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेट अभी भी mg का नीचे है। इस ब्लॉक को अगर आप यहां पे देखोगे, मैंने इसको यहां पे रिलीज किया था ना, यहां पे अगर मैंने इसको रिलीज किया है तो इस पॉइंट पर इसका जो वेलोसिटी है वो जीरो है, लेकिन अगर आप फोर्स डायग्राम देखोगे तो इस पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है। अब अगर एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है तो बिकॉज ऑफ दैट नेट फोर्स इसको एक ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा, उस एक्सेलरेशन के कारण ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, ऐसे ऊपर राइज करना स्टार्ट करेगा। अब अगर ये ऐसे ऊपर राइज करना स्टार्ट कर रहा है, ये m मास का जो ऑब्जेक्ट था, इस एक्स्ट्रा फोर्स के कारण क्या करेगा, ऊपर राइज करना स्टार्ट करेगा बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन जो इसको स्प्रिंग फोर्स के कारण मिल रहा था। अभी जब तक ये पार्टिकल यहां से यहां नहीं पहुंचता, ये देख लो ये कॉन्सेप्ट, ये मेरे पास जहां मैंने इसको रिलीज किया था, ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है, यहां से यहां आते वक्त अगर आप नोटिस करोगे तो स्प्रिंग फोर्स हमेशा mg से ज्यादा है। स्प्रिंग फोर्स अगर mg से ज्यादा है इसका मतलब यहां से यहां आते वक्त इसका जो एक्सेलरेशन है वो इसके स्पीड को बढ़ा रहा है। यहां से यहां आते वक्त पार्टिकल का स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे ना तो जो एक्सेलरेशन है उसका खुद का वैल्यू कम होता जा रहा है। कैसे, इस वाले इंस्टेंट पे इलॉन्गेशन जो था वो x था, यहां पे इलॉन्गेशन क्या हो जाएगा, x का आधा हो जाएगा, यहां पे इलॉन्गेशन और कम हो गया, इलॉन्गेशन और कम हो गया एंड सो ऑन। तो जब मैं यहां से यहां मूव कर रहा था, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक मूव करने पर मैंने क्या देखा कि जो इलॉन्गेशन फोर्स है वो कम होता जा रहा है। अब अगर इलॉन्गेशन फोर्स कम होता है, mg पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर इलॉन्गेशन फोर्स कम होता जा रहा है इसका मतलब इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो कम होता जा रहा है, लेकिन इसका स्पीड कंटिन्यूअसली क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। क्यों, क्योंकि मैंने ऐसा बोला कि मान लो पहले जो ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेलरेशन था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता था कि एक सेकेंड में उसका जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होना है। मान लो एक्सेलरेशन का रेट 10 से मैंने कम करके 5 कर दिया है, अब 10 से कम करके अगर मैंने 5 कर दिया इसका ये मतलब होगा कि अभी भी स्पीड बढ़ना ही है, लेकिन जो पहले 10 के रेट से बढ़ रहा था अब 5 के रेट से बढ़ेगा। उसी तरह मैं बोलूं कि अगर एक्सेलरेशन 2 हो गया, एक्सेलरेशन का रेट कम हो गया, अगर 2 हो गया तो अब जो स्पीड चेंज होना है वो 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज होना है। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे जब मैंने इसको यहां से रिलीज किया, यहां पे जब मैंने इसको रिलीज किया तब ये ऐसे ऊपर जा रहा है। क्यों ऊपर जा रहा है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स है जो इसको ऊपर ले जाना स्टार्ट करेगा। यहां से यहां आते वक्त एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है, यहां से यहां आते वक्त इस दौरान ये जो एक्सेलरेशन होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जा रहा है, लेकिन जो स्पीड है स्पीड का वैल्यू क्या है, बढ़ता जा रहा है। अब जब ये यहां कहीं पे पहुंचेगा तो वापस से इसमें क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है यहां पर एक्सेलरेशन जीरो। अब यहां पर एक्सेलरेशन जीरो हुआ है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो जब ये पार्टिकल यहां से यहां आया था तब इसका स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा था। मतलब ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे यहां पे इसका एक्सेलरेशन, इस वाले पॉइंट पर एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो गया होगा क्या, क्योंकि यहां से यहां पर एक्सेलरेशन होता है, जब तक एक्सेलरेशन हो रहा होगा तब तक तो स्पीड बढ़ रहा है। अब अगर एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया तो इसके बाद तो स्पीड बढ़ नहीं पाएगा। इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है वहां पे स्पीड क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। इसके बाद अगर सोचा जाए अब यहां पे पार्टिकल रुकेगा क्या, नहीं पार्टिकल नहीं रुकेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास एक वेलोसिटी है या एक इसके पास स्पीड है जो उसको ऊपर ले जाना स्टार्ट करेगा। अब जैसे ही पार्टिकल इसके इक्विलिब्रियम वाले मार्ग से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा ना, मान लो यहां कहीं पे आ गए, यहां कहीं पे अब क्या हो गया, इलॉन्गेशन फोर्स और ज्यादा कम हो गया। यहां पे x0, यहां से x0 है, अब जो इलॉन्गेशन है वो x0 का भी कम हो गया।
इस वाले पॉइंट पर के एक्स नॉट ने mg को बैलेंस किया था, अब इलॉन्गेशन कम हो गया तो स्प्रिंग फोर्स कम हो गया ना, इसका मतलब यहां से यहां तक ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में mg फोर्स डोमिनेट करेगा क्या? अगर mg फोर्स डोमिनेट करेगा मतलब अब पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया था, पार्टिकल का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और पार्टिकल की जाने की टेंडेंसी ऊपर है, क्योंकि इसके पास यहां पे हमने देखा था यहां पे स्पीड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, मतलब रिटार्डेशन होना चाहिए क्या? रिटार्डेशन का मतलब है समय के साथ इस पार्टिकल का जो स्पीड है अब कम होता जाएगा। अच्छा एक और चीज अगर आप नोटिस करोगे इस वाले इंसिडेंट में, यहां पे कभी भी अगर आपने नेट फोर्स देखा ना तो नेट फोर्स आप ऐसा लिखोगे mg माइनस के एक्स नॉट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ लिख रहे हैं क्या? अच्छा ये के एक्स नॉट का वैल्यू, ये के एक्स नॉट तो कम होता जा रहा है ना, ये वैल्यू अगर कम होता जा रहा है के एक्स नॉट, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना mg माइनस के एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एम, अगर ये वैल्यू, अगर मेरे पास ये वैल्यू है mg माइनस के एक्स नॉट, अगर ये वैल्यू कम होता जा रहा है तो जो ओवरऑल वैल्यू होगा एक्सेलरेशन का वो बढ़ रहा होगा क्या? मुश्किल होगा ये समझना, लेकिन आपको ध्यान से समझना है ये बात। अगर मैं बोल रहा हूं कि इस वाले इक्वेशन में मेरे पास नेट एक्सेलरेशन कितना आ गया, नेट एक्सेलरेशन है mg माइनस के एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एम, ध्यान से सोचोगे तो के एक्स नॉट का वैल्यू, जैसे ही मैं इस वाले हाफ से ऊपर मूव कर रहा हूं, के एक्स नॉट का वैल्यू क्या हो रहा है, के एक्स नॉट का वैल्यू कम होता जा रहा है, mg में कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, mg कॉन्स्टेंट है, mg कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब मैं यहां से यहां ऐसे ऊपर गया था, इस टाइम पे क्या हुआ, के एक्स नॉट का वैल्यू कम होता जा रहा है, के एक्स नॉट का वैल्यू कम होने का मतलब है कि mg में से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या? इसका मतलब एक्सेलरेशन का जो ओवरऑल वैल्यू होगा वो बढ़ता जा रहा है। तो यहां से यहां जाते वक्त हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन का रेट बढ़ रहा है और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसका मतलब यहां पे क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होगा। अब जैसे ही पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो, जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि रिटार्डेशन था तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाना है, जीरो होना है। मान लो मैंने बोला कि पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो यहां कहीं पे जाके जीरो हो गया, यहां कहीं पे जाके मान लो पार्टिकल का वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गया वापस। अब ये क्या करेगा, इस पॉइंट पर ध्यान से देखो, अब पार्टिकल का वेलोसिटी यहां पे क्या हो गया, जीरो हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो उसमें जो फोर्स लग रहा है वो mg का फोर्स नीचे की तरफ है क्या? अब mg का फोर्स अगर नीचे की तरफ है मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है क्या? तो बिकॉज ऑफ दैट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ये पार्टिकल वापस से नीचे आना स्टार्ट करेगा क्या? मुश्किल है क्या? फिर से कोशिश करते हैं, ध्यान से सोचो। हमने क्या बोला, जब पार्टिकल यहां से मैंने इसको रिलीज किया, अभी क्या है इलॉन्गेशन ज्यादा है, इलॉन्गेशन ज्यादा है तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ है और mg फोर्स क्या है, नीचे की तरफ है, नेट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में आ गया। बिकॉज ऑफ दिस नेट फोर्स, ये नेट फोर्स के कारण क्या होगा, पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा, एक्सेलरेशन ऊपर जाने की टेंडेंसी भी ऊपर, मतलब अभी क्या होगा इसका स्पीड बढ़ता जाएगा क्या? अब यहां पे क्या है, यहां से यहां जाते वक्त एक्सेलरेशन का रेट कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू कम होता जा रहा है, यहां से यहां गए, यहां से यहां जाने पे स्पीड का वैल्यू बढ़ा लेकिन एक्सेलरेशन का रेट क्या हो गया, कम हो गया। इस वाले पॉइंट पे जब मैं इक्विलिब्रियम पे आऊंगा तो नेट फोर्स यहां पे क्या हो गया, जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया मतलब अब कोई एक्सेलरेशन नहीं होने वाला, मतलब इस पॉइंट पे जो स्पीड होगा वो क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। अब वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और एक्सेलरेशन जीरो है, पार्टिकल रुकेगा तो नहीं, अब ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा, जैसे ही ये ऊपर जाएगा ना, अब जो स्प्रिंग फोर्स है वो mg से कम होना स्टार्ट होता है, क्यों? क्योंकि देखो यहां पे जो इलॉन्गेशन था उसने mg को बैलेंस किया था, लेकिन जैसे आप इसके ऊपर जाओगे तो इलॉन्गेशन का वैल्यू कम होता जा रहा है तो स्प्रिंग फोर्स कम हो रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स कम होता जा रहा है तो हमने फोर्स का इक्वेशन ऐसा लिखा ना mg माइनस kx नॉट इक्वल्स टू ma। इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो जो एक्सेलरेशन यहां से यहां जाते वक्त एक्सेलरेशन जो है उसका डायरेक्शन नीचे है और इसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इस तरफ है, जाने की टेंडेंसी इधर है, रिटार्डेशन हो रहा है क्या, रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब पार्टिकल क्या होगा, रुक जाएगा। अब मान लो पार्टिकल यहां कहीं पे जाके रुक गया, जैसे ही पार्टिकल यहां पे रुक गया इस वाले पॉइंट पे, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इस वाले पॉइंट पे क्या हो गया, वापस से इसकी जो टेंडेंसी है वो नीचे आने की हो गई क्या,
क्यों? क्योंकि इसके पास mg फोर्स है जो उसको नीचे ले जाना स्टार्ट करेगा, फिर से mg फोर्स के कारण ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा जब ये यहां से यहां क्रॉस कर रहा हो, जब ये यहां से यहां पहुंच रहा है, तो mg फोर्स तो है, अब kx बढ़ना स्टार्ट हो रहा होगा, यहां से यहां तक mg फोर्स नीचे था, इलोंगेशन फोर्स बढ़ना स्टार्ट होगा, मतलब यहां से यहां आते वक्त एक्सेलरेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम हो रहा होगा लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंचेगा तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा है लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है। वापस से जब मैं यहां पे आ गया, जब मैं यहां पे आ गया, यहां से मूव करके मैं जब यहां पे आ गया तो क्या हुआ, इस वाले पॉइंट पर फोर्सेस फिर से इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में आ गए तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया लेकिन वेलोसिटी वापस से मैक्सिमम हो गया है, वो वेलोसिटी इसको वापस से नीचे ले जाएगा, अब जैसे ही नीचे आना स्टार्ट करेगा एक्सेलरेशन फिर से इसको रोकना स्टार्ट करेगा, फिर से यहां पे आके रुक गया एंड सो ऑन, अब जैसे इस पॉइंट पे आएगा तो वापस से वैसे ही कुछ रिपीट होगा क्या जो हमने पहले डिस्कस किया है। इसका मतलब जब आप एक पार्टिकल जो ऐसे आराम से लटका हुआ था उसको अगर मैंने एक्स अमाउंट इलोंगेट करके रिलीज कर दिया तो वो क्या करेगा, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहे थे, अब ये जो टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट के अबाउट, उस तरह के मोशन को ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया हो, एग्जाम्पल को आप एनालाइज करना, आप जब खुद से इसको एनालाइज करोगे ना कि स्पीड क्या हुआ वेलोसिटी क्या हुआ, जैसे ही आपने खुद से एनालाइज कर लिया ना तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में वो क्या है। क्लियर है क्या थोड़ा बहुत ये? अब कुछ डेफिनेशंस अपने को सीखते हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन क्या है, सबसे पहला यहां पे ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना जहां पे फोर्सेस क्या होते हैं जीरो हो जाते हैं, नेट फोर्स जीरो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन अगर मेरे को बताना है, ऐसे तो मीन पोजीशन का डेफिनेशन शायद आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन अभी आप क्या समझना, मीन पोजीशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। सबसे पहला अगर मैं बोल रहा हूं ये मीन पोजीशन, सबसे पहला पॉइंट जो मुझे याद रखना है ना मीन पोजीशन में, वो ये याद रखना पड़ेगा कि मीन पोजीशन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे नेट फोर्स जीरो हो गया। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, मीन पोजीशन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर नेट फोर्स क्या हो गया जीरो हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर आप ध्यान से सोचोगे तो मीन पोजीशन, अगर नेट फोर्स जीरो हो गया है, मैं बात कर रहा हूं मीन पोजीशन के बारे में, अगर मैं बोल रहा हूं कि मीन पोजीशन है तो उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं या उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम लिख देते हैं। मैंने बोला कि मेरे को क्या करना है, मीन पोजीशन डिफाइन करना है। अगर मीन पोजीशन डिफाइन करना है तो अपन क्या बोल रहे हैं, मीन पोजीशन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर नेट फोर्स क्या हो गया था जीरो हो गया था। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया इसका मतलब एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का है, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या हो गया जीरो हो गया। पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब उसका जो स्पीड